अरे मैं वैसे ही छोटी सी हूँ। मैम माँ सरस्वती का आशीर्वाद से हमारे नेता जी में आए भाई का स्वागत। माँ सरस्वती का आशीर्वाद कितने वर्षों से आपको? लगभग इस लाइन में मुझे 20-21 साल हो गए। उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि बाहर दूसरे देशों में भी आज हरियाणवी गायिका के रूप में आपको सरोज सावरगी के रूप में देखा जाता है, क्या कहना होता है? ये जनता का प्यार है और माँ भगवती का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है शायद, और श्रोताओं का प्यार है, आशीर्वाद है ना, तो मुझ में ऐसी कोई बात नहीं भैया। आज 132वीं जयंती बाबा साहेब के इस उपलक्ष्य में यहाँ सुल्तानपुरी में जो प्रोग्राम किया गया उसके बारे में क्या कहना है? इस बारे में तो मैं क्या कुछ बताऊं ज्यादा, क्योंकि लगभग हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं आपके बार बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में, और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, क्योंकि जितना मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ बाबा साहेब के बारे में, जितना मैंने देखा है सुना है या पढ़ा है, कि बाबा साहेब का एक ही सपना था कि जो भी हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, कि उन्हें शिक्षित बना दो, उन्हें पढ़ा दो लिखा दो, फिर उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हरियाणा में गायक बनना चाहते हैं जवान जी, उनके लिए क्या संदेश है? हरियाणा में देखो वैसे तो सभी गायक है, हम भी, मेरा भी परिवार इसे गायक की लाइन से ही चलता है, मेरे बच्चे पलते हैं, और मैं इतना ही कहूंगी जो अपने भी हरियाणा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो जब तक भाई मान ले अगर गाएं तो अपने कल्चर का ध्यान रखते हुए जब अपनी कोई भी प्रस्तुति दें, क्योंकि अपना जो देहाती कल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, तो थोड़ा ठीक नहीं है अभी अपने कल्चर के लिए, बाकी तो भाई बदलती हुई जनरेशन है। जो देशवासी आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं, आपके ही उनके घर में डेली जो गीत है वो चलते रहते हैं, उन देशवासियों के लिए क्या कहेंगे जो आपको अपार प्रेम देते हैं? नहीं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है तो सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अगर भी मान ले ये तो बात कन्फर्म है कि हाँ श्रोता प्रेम तो करते हैं। मुकेश बैसवाल जी के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे सम्मानित और सुनने लायक एक गायक है तो मुकेश बैसवाल जी। मुकेश भाई साहब से मेरी आज दूसरी मुलाकात है, पहली वो जब ये घर पे इस कार्यक्रम के लिए भी निमंत्रण देने के लिए गए थे, और दूसरी आज, क्योंकि रागनी जो हमने गाई है वो भी पहली बार गाई है, ठीक से तालमेल भी नहीं था, लेकिन फिर भी भाई आप लोगों ने पसंद किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हम आभारी हैं आप सभी जनता के। मुकेश जी, मुकेश जी, हरियाणी गायक मुकेश बैसवाल जी, चारों तरफ एक ही नाम, आज के युवाओं की तरफ क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ऐसा तो नहीं लग रहा, चारों तरफ है, बस शौक है ये थोड़ा मनोरंजन करने के लिए। आप मेरा सौभाग्य है, आज राजबाला जी के साथ हम इसको टीवी पे देखते थे राजबाला जी को, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इसके साथ रागनी गाई, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ राजबाला जी का। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की जयंती हर जगह जगह मनाई जाती है, मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे, हमारे युवा लड़काओं को इससे बहुत अच्छी सोच है मिलेगी, कि बाबा साहब कहते थे संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए, चाहे एक रोटी कम खाए। जगह जगह गायकी के दीवाने नजर आ रहे हैं, खास तौर पर रागनी के हरियाणवी कल्चर, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे भी हमने 2-4 बात याद कर रखी उन्हीं को दोहराता हूँ, मेरे को नहीं ऐसा लगता मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ।